और तैयार रखो अपनी ताकत, पूरी कुव्वत और सराय जंग के साथ। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध एक ऐसा मोतबर नाम है जो सरजमीन पाकिस्तान की तख्लीक से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। वतन अजीज के क्याम के साथ वजूद में आने वाली ये पैरामिलिट्री फोर्स अर्ज पाकिस्तान के तकद्दस और इस पाक सरजमीन की रखवाली का अज़्म लेकर वजूद में आई। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध जहां मुल्क दुश्मन अनासर से निमटने के लिए बेहम मुतहद मुनज़्ज़म खड़ी है, वहीं वतन अजीज की आवाम के लिए अमन सलामती का पैकर भी है। स्पेशली पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने जितनी खिदमात अंजाम दी हैं पिछले 20 साल में पर्टिकुलरली, वो उसका शुक्रिया एज अ नेशन मैं अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इसकी जजा देगा। और जितनी शहादतें हुई हैं पाकिस्तान रेंजर्स में, उसमें जितने शहदा हैं, उन्हीं की वजह से हमारा ये मुल्क जो है कायम होता है। जब भी जराइम का बाजार गर्म हुआ, लाकानूनियत और दहशतगर्दी ने सर उठाया, मासूम चेहरों पर मुस्कुराहटों की जगह खौफ के साए लहराए, तब कौम की हर पुकार पर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने लबैक का नारा लगाया और तारीख होती हुई रोशनी की किरणों को अपने खून से जिला बख्शी। सिंध और बिलखसूस कराची में बढ़ते हुए मजहबी, लसानी और इलाकाई तासुबात और इसके नतीजे में बिगड़ती हुई अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने खत्ते में अमनो अमान बहाल करने का बीड़ा उठाया। मुतादित ऑपरेशंस में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जियाले सिपाहियों की शहादत के इर्द शहर कायद की खोई हुई रौनकें बहाल हुईं, जिसके बाद सियासी, सकाफती और मुआशी सरगर्मियां बिला खौफो खतर अपने उरूज पर हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के क्याम का मकसद सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अहम कौमी अमलाक, इमारात, सिफारत खानों, हसास इदारों की हिफाजत और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बवक्ते जरूरत मदद फराहम करना है। इनके अलावा कुदरती आफात और नागहानी हालात में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने हमेशा अपना किरदार बखूबी अदा किया है। सिंध के जो हालात हैं, जो डाकुओं का एक सिलसिला था, बड़े बड़े दहशत गर्द यहाँ आकर छुप गए थे, रेंजर्स ने उन्हें बड़ी कामयाबी से और बड़ी प्लानिंग से और पब्लिक पार्टिसिपेशन से इन चीज़ों को ख़त्म किया। मैं समझता हूँ बड़ी कुर्बानी है इनकी और रेंजर्स का कराची के अंदर और सिंध के अंदर इनके अमन के अंदर बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने जहां मुल्क कौम को दहशत गर्द अनासर की नापाक सरगर्मियों से निजात दिलाई, वहीं तालीमी निज़ाम की बेहतरी, क़ैद ज़दा इलाकों में तिब्बी इमदाद, सैलाब और खुशकसाली से मुतासर होने वाली अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी एक मुअस्सर हिकमत अमली के तहत मुतअद्दिद रेस्क्यू ऑपरेशंस सर अंजाम दिए। यू फील सेफ नाउ? इससे पहले कराची आते हुए आपको, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम लाहौर एंड ऑल दैट, आपको यहाँ पर आते हुए डर लगता था, एक होता था कि स्नैचिंग ना हो जाए या कुछ और ना हो जाए, बट दिस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी सेफ, द फीलिंग इज़ वेरी नाइस। आपको लेट नाइट बाहर निकलते हुए डर नहीं लगता, आपको रोड पर फिरते हुए डर नहीं लगता, एंड आई वुड से दैट ऑल द क्रेडिट गोज टू रेंजर्स ओवर हियर। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान रन ऑफ कच्छ, ठट्ठा, क्रीक्स और बदीन जैसे मुश्किल इलाकों में, जंगलों और सहराओं में मुल्क की सलामती के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं। हमारे शहर कराची के अंदर इससे पहले बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहते थे। आप इस तरह, जिस तरह मैं आज खड़ा हूँ, इस तरह से मैं पुरसकून होकर आराम से सेफली नहीं खड़ा हो सकता था, लेकिन अब ये है कि हाल ये है कि अब हम आराम से घूमते हैं, सब कुछ ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो मोबाइल स्नैचिंग और जो स्ट्रीट क्राइम था उसको जिस तरीके से, जितने अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का SSG ग्रुप, जो कलंदर ग्रुप के नाम से पहचाना जाता है, बेहतरीन पेशावराना सलाहियतों से लैस एक स्पेशल ग्रुप है जो दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, इगवा बराए तावान और दीगर खसूसी ऑपरेशंस की कामयाब अंजामदही में अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के शोहदा और शेरदिल गाजी इस मुल्क का वो अनमोल सरमाया है जिनके दम से कराची की रौनकें और रोशनियां बहाल हैं। वतन अजीज की 72 साल तारीख पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जुर्रतमंदाना कारनामों और लाजवाल कुर्बानियों से मुजयन है। कराची के हवाले से जो रेंजर्स की किस्मत है, किसी भी
सूरत में दो जो पावर रेंजर्स को दिए गए और रेंजर्स ने वो काम कर दिया जो इम्पॉसिबल। बिलाशुबा पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के सपूत मुल्क और कौम के रखवाले और इस पाक सरजमीन का फख्र हैं। ये गाजी, ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई।